लॉन्ग फायर करो क्योंकि मैं मारू नहीं मारू मारू नहीं मारू काम करो। अरे राइट भी आ गया, राइट भी आ गया। अरे यार हट मार दे तो लेफ्ट आ गया। अरे ओपी राइट आ रहा, गाड़ी के पास, गाड़ी के पास इसको और मार देना बस, लास्ट की है। दो है। अरे लेफ्ट और राइट दोनों पछे लो। मेरी माँ मुझसे करती है बहुत ज्यादा प्यार और फौजी सीजे की वीडियो में आप सभी का नमस्कार नमस्कार नमस्कार। तो यार आज का ये मैच लास्ट जोन तक जाएगा और वहाँ पे मेरे सारे टीममेट मारे जाते हैं और फिर मैं बचता हूँ अकेला और सामने होते हैं चार बंदे। तो वहाँ जो सीन होने वाला है वो तो अलग ही लेवल का होगा, पर साथ ही आज हमारी ब्रिज कैंपरों से भी मुठभेड़ होने वाली है। तो इस वीडियो को पूरा देखना, मैं गारंटी देता हूँ कि आज की इस वीडियो का एक एक सीन बहुत ही इंटेंस है यार। पर फिलहाल हम उतरे हैं मिलिट्री बेस, तो चलो खत्म करते हैं यहाँ के सारे केस। अरे जादू ने कहा जो कि भाग रहा था दौड़ा दौड़ा। अब ये तो एक शायरी बन गई जो कि ठीक है, पर यार जादू ये मत भूलो कि ये एक पारिवारिक शो है, तो अपने शब्दों में थोड़ा सा लगाम लगाओ यार, है ना। कहानी सुने रवानी सुने मुझे प्यार हुआ। फिलहाल यहाँ पे इन लोगों ने अभी एक टीम को निपटाया और फिर इत्मीनान से बैठ के लूटा लाटी कर ही रहे होते हैं। तभी मैं पीछे से आके सरप्राइज मादर फादर कर देता हूँ, पर फिर जादू कहता है कि मुझे एक बंदा और दिखा। अरे भाई ये लेटा हुआ दीवार के पीछे यहाँ पर। वॉच आउट वॉच आउट। मैं जाऊँ मारो भी। मारो ना भाई। अब यार ना तो वो बंदा मेरे को देख रहा था और ना ही ये समझ में आ रहा था कि वो कौन सी दीवार के पीछे लेटा है। तो फिर मैंने सोचा कि एक काम करते हैं, फ्लैंक करके मारते हैं। मैं पहाड़ी से पहुंच गया डॉक्टर। थैंक यू थैंक यू। अब यहाँ पहाड़ी में भी बंदे हैं, यानी कि यहाँ एक नहीं दो दो टीम है। लेकिन अभी मैंने राइट में एक बंदे को मारा और वो नॉक हुआ था, यानी कि उसका लास्ट टीममेट अभी भी बचा पड़ा है। तो मैं यहाँ आके एक बम बबूरा करने की सोचता हूँ, पर तभी अब मेरे को लग रहा था कि मैं बस अपने बचे खुचे दिमाग का उपयोग कर रहा हूँ, पर चाचा भी सेम टू सेम फ्लैंक फ्लैंक खेल रहे हैं। पीछे देखना जादू है, तुम पीछे देखो, पीछे से ना आ जा। अब ये मौली का क्या ग्लिच है बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। मैं फेंक उतनी दूर रहा हूँ लेकिन आवाज ऐसी आ रही जैसे पैर ही में जलने वाली है। खैर बीजमाई के सस्ते नशे कभी खत्म नहीं होंगे, पर फिलहाल अभी वो बंदा बचा है जिसने मेरे ऊपर पहाड़ी से छलकपट किया था। जो मिल जाए हम तो बहन के भूखे से गाड़ी। हां समझ में आ गया, जो मिल जाए जय हिंद। है बंदा पता है ये रहा, पेड़ के पीछे पहुंच गए ये रहा जस्ट एग्जैक्ट इवन। जिस दिन फौजी पबजी न खेले ऐसी कोई रात नहीं। और क्या कहा फौजी की स्क्वाड को मारेगा, बाप को भेज तेरे बस की बात नहीं। आग लगा दी आग लगा दी आग लगा दी। ओ बंदा कोई बंदा वॉच आउट लेटा हुआ मेरे सामने। अरे मेरे सामने लेटा हुआ
आज ना मैं आपको एक ठो बात बताना चाह रहा हूँ। मेरा एक दोस्त है, उस बेचारे की सैलरी है 10,000 रुपए पर उसकी बीबी का खर्चा 15,000 रुपए। तो ऐसे में आप लोग उसकी कंडीशन के बारे में अनुमान तो लगा ही सकते हो। बहुत परेशान है यार वो बेचारा। तो एक दिन क्या हुआ, कहता यार मेरे को भोले बाबा के पास ले चल, उनके मंदिर जाना है, थोड़ी सी बात करनी है उनसे। तो मैं समझ गया कि फीलिंग शेयर करना चाहता है भगवान के साथ, इसलिए मैं उसको ले गया। पर वो वहां जाके पता है भगवान से क्या कहा, कहता भोले बाबा आपके लड़के गणेश जी की दो दो बीबी, वो भी रिद्धि और सिद्धि, और मेरी सिर्फ एक, वो भी जिद्दी। इसलिए कहते हैं भाई लोग, लड़की और मोबाइल पसंद करने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हर हफ्ते नए नए मॉडल आते हैं। तो थोड़ा इंतजार करो, समझो, परखो और फिर शादी करो, क्योंकि जल्दी का काम शैतान का होता है। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? हाँ बंदे हैं। लॉक पड़ा किल्टरो। ये लॉक पड़ा मेरे मार्क को। किल्टरो। इसका किल्टरो। Marked a location. देख कर। राइट का जो फर्जी भाई, कूद जो राइट का। आ जाओ। अरे रिवाइव हो रहा है, रिवाइव हो रहा मेरे मुंह पे। मारो जाओ। अरे यार मैं तो क्या कर रहा था भाई, भाग रहा। शायद मेरे टीममेटों को लगता है कि मेरे पीछे भी आंख है। भैया जब मैं आगे खेल रहा हूँ तो कम से कम पीछे वालों को तो मार दो, फिर ही फोकट में नॉक हो गया यहाँ पे मैं। पानी में गिर गया वो। हाँ। खैर इनका लास्ट बचा हुआ बंदा पानी में कूद जाता है, तो चलो उसको पानी में डुबा के मार देते हैं। नीचे मत कूदना, लंबा गेम चला जाए। अबे ये भी नॉक हुआ है क्या, यानी कि इसका लास्ट बंदा और बचा है। ये रहा पकड़ो, एक और मारो इसको। बंदा हां ये बंदा है ठीक है मेरे पे। हां बंदा सही बात है। लेट का ये रहा। अब यार लास्ट बंदा हमको दिख तो गया था, पर मैंने सोचा कि भैया AWM से मारेंगे तो ज्यादा मजा आएगा, इसलिए मैंने AWM उठाई और फिर ना। एक भाग रहे हैं यहाँ पे, देखना इतना ओपन में भाग रहे। पैर में मारो उसको। कहा था ना अच्छा बनने के लिए सारे गलत काम छोड़ेंगे, और आज के इस गेम प्ले में हम ब्रिज कैंप तोड़ेंगे। क्या बात है सर, ये बात है। हाँ मैं वही तो बोल रही हूँ। सम्मान्य आदमी। तो यार फाइनली यहाँ पे हम लोग इन बंदों को निपटा देते हैं, और उसके बाद मुझे 2-4 बोट दादा मिलते हैं, तो उनकी भी मैं सम्मान पूर्वक पेटी बना देता हूँ। और उसके बाद हम लोग यहाँ से लूटा लाटी करके निकल ही रहे होते हैं, पर तभी तो सामने वाले घर में एक बंदा, तो मैं यहाँ गाड़ी लगाता हूँ और फिर ऊपर आके एक बम बबूरा करता हूँ। पर उतना ही में वो पीछे की तरफ कूद जाता है, तो देखो अब आगे क्या होगा। लेट गया होगा। ये है बेटा। आज तेरी अकड़ मैं निकालूंगा, क्योंकि तू फौजी सीजे के सामने खड़ा है, और इस जंग के बाद पता चलेगा कौन का कितना बड़ा है। कौन किससे बड़ा है। अरे क्या बोल, कौन किससे बड़ा है, क्या बोल देता हूँ यार मैं। कसम से भाई लोग, मैंने जानबूझ के नहीं बोला था, मेरे मुंह से निकल गई, मेरी जबान टूट गई यार। खैर अब इन बातों को हटाते हैं और सीधा मुद्दे में आते हैं। तो इसको निपटाने के बाद हम लोग काफी देर तक बंदों को ढूंढते हैं, लेकिन जब मैं इस तरफ आता हूँ तभी मुझे सामने वाले सकॉर्ड हाउस में एक बंदा दिखता है।
ए ऊपर 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 छत पे ऊपर ही बैठ बैठा है एक हेड प्लग लगा है उसको हेड लगा है अब आप लोग सोच रहे होंगे कि फौजी भाई आज आपके हेडशॉट कैसे चूक रहे हैं तो यार देखो एक्चुअल में ना मेरी स्नाइपिंग सस्ती नहीं है पर ये जो 4x है ना इसमें जो धन का निशान बना है उसकी वजह से बहुत दिक्कत जा रही है साला कोकाई करके बैठा था का गैलरी में डालो जलना चाहिए बहुत तो यार यहाँ पर मैं जलती बोतल में आग फेंक के एक को नॉक तो कर देता हूँ पर अब आपको देखने को मिलेगा बीजमाई की सबसे पावरफुल गन की दहशत अरे बहुत हार्ड अरे बहुत ओपी आगे मैं चलना रुको अरे जाना मैं टीवी है जाना नहीं अब उसके हाथ में थी DBS तो मैं समझ गया था कि इसको गन से तो नहीं मार सकते इसलिए मैं मॉली फेंकता हूँ DBS मतलब की दहशत बनाने वाली शॉट गन गाल फाल देती है यार कसम से बहुत खतरनाक गन है अरे ये है ना जहाँ पर खूब खड़े पर ये रहा फौजी इसको मारो लेटा हुआ ले बेटा पट से अरे 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 ये क्या अरे ये लेटा मेरे पागल में देखो अरे फौजी भाई मुझे सुन रहे हो फौजी भाई नो गॉड नो गॉड प्लीज नो फौजी भाई यार माफ कर दो ये भाई मुझे पता है यहाँ पे मेरी बेइज्जती हो गई और चाहता तो मैं इस बेइज्जती को काट भी देता लेकिन वो कहते हैं ना कि बेइज्जती और बीबी अजीब सी चीज होती है अच्छी तभी लगती है जब दूसरों की होती है तो मुझे पता है आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी यार खैर जॉन बन गया था लेफ्ट साइड और वो सामने वाले घरों में बंदे थे तो मैंने सोचा कि पहले अपन जॉन में जाएं और फिर जब ये लोग जॉन में आएंगे तो अपन धप्पा करेंगे पर वो लोग साले हमसे पहले जॉन में पहुंच जाते हैं ये रहा बंदा फौजी भाई जस्ट इधर उनका अपोजिट साइड ले लो ले सकते हो तो इधर बंदा है लेफ्ट से लो अब यहाँ एक बंदे को मैं नॉक कर देता हूँ और एक को जादू और अब बचे थे वो दो तो मैं रस करने का प्लान बना ही रहा था पर उतना ही में हमारी दो नंबर टीममेट नॉक हो जाती है अरे बड़ी चोट और फिर जादू को भी एक बंदा रोड के उस पार से नॉक कर देता है ठीक और जो दो बंदे हमने पहले नॉक किए थे वो हो चुके हैं अब रिवाइव सामने बंदा है राइट से अगला राइट से यानी कि अब वो लोग हो गए हैं चार और हम बचे हैं तीन देखो स्मोक कर लेना फौजी भाई हल्का राइट सी डॉट डिफेंस डिप्स में पड़े बच जाओ
मेरे में MG3 पड़ी है, वो फेंक दो AW, MG3 उठा लो। अरे लेफ्ट साइड भी है। हाँ है ना, वो सांप बन गया वो भी। भाई हीलिंग नहीं है। आराम से रहा, आराम से रोन से। टॉक्सिक पेनाल्टी देना है, ठीक है? देखे कोई साला मार मार उसको, मार ना, मार मार मार। देखो पैसे लंबे अब यार वो लोग कहाँ सांप बन के लेटे हैं बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। चारों में से कोई भी एक बंदा नहीं दिख रहा था, इसलिए मैंने एक बम फेंका। थोड़ा और आगे करो, पेड़ के पास है मेरे ख्याल। आगे वाली पेड़ है। कुछ नहीं है मेरे पास, ठीक है मुझे चेक कर। एंगल सही जहाँ पे मैं मरी हूँ ना वहाँ से था। तुम मर कैसे गई? तुम बेवकूफ हो बेटा, तुम मर गए जो। मैं तो हूँ। लॉन्ग फायर कर दिया क्योंकि मैं मारू नहीं, मारू मारू नहीं, मारू काम कर। अरे राइट भी आ गया, राइट भी आ गया। अरे यार हट मार ले तो। अरे ओपी राइट साइड, गाड़ी के पास, गाड़ी के पास। इसको और मार देना बस, लास्ट ही है। दो है। अरे लेफ्ट और राइट दोनों है। पछे लो। कसम से भाई लोग ये कोई बहाना नहीं है, मुझे ये लगा कि सामने बंदे हैं, तो मैंने सोचा कि इस पेड़ में खड़े होके मैं पट्टी लगा लूंगा। लेकिन उसी टाइम मुझे लेफ्ट से भी फुटस्टेप आई और उस वजह से मैं पेड़ के किसी भी एंगल में कवर नहीं ले पाया, क्योंकि लेफ्ट में भी बंदा और राइट में भी बंदा। आखिर मैं पट्टी लगाता तो लगाता कैसे? तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि मैं कैसे मरा। पर फिर भी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल में नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना, साथ ही कर देना अपने दोस्तों को शेयर। तो मिलते हैं कल को नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड डे, लव यू ऑल। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।